हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, उसके लिए फॉर्मूला कैसे ढूंढा जाता है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके पहले पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू लगने वाली है कैपेसिटेंस की, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला जो है वो तुरंत नहीं मिलेगा कैपेसिटेंस का, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज आएगा, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, ठीक है, जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है उसमें है। एक था आपका स्पीयर था, दूसरा सिलेंडर था, उसके बाद में था आपका प्लेन शीट। तो प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पे सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इतना क्या, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वेयर सिग्मा इज आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है, ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट प्लेन शीट बोलते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में एक और लगेगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। P मतलब पोटेंशियल एट अ पॉइंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, और D क्या होगा, D होगा दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस, D होगा दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि हमको V का फॉर्मूला मालूम है, Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर, वही पे E होता है Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। तो E कैसे मिलता है हमको, E मिलता है V को R से और डिवाइड कर दो, V को अगर और R से डिवाइड कर देंगे मतलब नीचे R स्क्वायर आ जाएगा, तो R स्क्वायर आ जाएगा तो हमको किसका फॉर्मूला मिलेगा, E मिलेगा। तो रिलेशन क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू V अपॉन R, therefore V इज इक्वल टू E इंटू R, R क्या है डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे जो दो कैपेसिटर प्लेट्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, D। बस इतना ही नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है, आपको ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में टाइप देखे थे हमने, पहला ही टाइप था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था सिलेंड्रिकल, उसके बाद में था स्फेरिकल। चलिए पढ़ते हैं, उसके लिए फॉर्मूला भी ढूंढते हैं। कैपेसिटर बनता कैसे है, तो एक प्लेट होगी, ठीक है, उस पर कुछ तो पॉजिटिव चार्ज डाले जाएंगे और इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में एक दूसरी पैरेलल प्लेट लेके आएंगे एकदम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या, अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी क्या है, ए। ये अगर कॉपर की प्लेट है तो ये भी कॉपर की प्लेट है, एकदम जुड़वा, एकदम आइडेंटिकल प्लेट है, ठीक है। इस पे कितने चार्जेस होंगे, इस पे होंगे सेम लेकिन क्या, निगेटिव चार्ज हुआ, किसके, इंडक्शन की वजह से, या फिर हम बाहर से इस पे क्या लगा रहे हैं, चार्ज डिपोजिट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड दे रहे हैं इस पे, ठीक है। और मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, ये यहाँ पे इतना बड़ा डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में ए प्लेट और ए प्लेट दोनों प्लेट का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना है इसका कैपेसिटेंस ढूंढना है, इसका कैपेसिटेंस हमें ढूंढना है, ठीक है। हमको मालूम है क्या होता है, कैपेसिटेंस जो है किसी एक कंडक्टर का वो बढ़ाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी की तरह दूसरी प्लेट लेके आते हैं, नियर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, बाहर के सरफेस पे पॉजिटिव इंड्यूस होता है, लेकिन वो बाहर वाली प्लेट को क्या कर दो, दूसरी प्लेट को अर्थ कर दो। जैसे ही अर्थ करोगे अनबाउंड पॉजिटिव चार्जेस आपको अर्थ में चले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो सारी चीज हमने देखी है, ठीक है। पिछला वीडियो हमने देखा था कैपेसिटेंस का कंसेप्ट में, वो बताया था कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करा जाता है, ठीक है। अभी हमको इस पे फोकस करना है, क्यू और वी पे, ताकि हमको क्या मिल जाए, सी मिल जाए। तो देखो पहला जो है हमारा, पहली जो प्लेट है उस पर कितना चार्ज डाल दिया है हमने, प्लस क्यू, इतना चार्ज पुट कर दिया है। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखना ये जो है, अभी ये वाला नॉलेज लगेगा, ये दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि क्या है, या तो सीधा हमको दिख रहा है प्लस, या फिर माइनस दिख रहा है, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन होगी कैसी, ऐसी।
अभी हमें कंसर्न है कि ये दो प्लेट के बाहर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, ठीक है। हमारा कंसर्न क्या है, ये जो है प्लेट्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है, वो कैसे है वो भी मैं बताता हूँ, बाहर है कि नहीं। तो यहाँ पे इन प्लेट्स के बाहर के साइड, मतलब इस प्लेट के इधर बाहर और दूसरे प्लेट के इधर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। मान लो इस प्लेट के बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस प्लेट पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी अपनी फील्ड बनाएगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड बनाएगा वो फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज ने जो फील्ड बनाई वो ऐसी जाएगी, फिर अवे जाएगी। लेकिन उसी पॉइंट पे, इसी सेम पॉइंट पे हमारा निगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, हमारा निगेटिव चार्ज भी इस पॉइंट पे फील्ड बना रहा है, और निगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे जो फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज, टूवर्ड्स मतलब ये निगेटिव चार्ज नीचे है तो इसकी डायरेक्शन मान लो ये भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी अपोजिट। अभी मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, लेकिन ये डिस्टेंस इतना कम है, इतना कम है ये डिस्टेंस कि हम उसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ई का फॉर्मूला ये रहा, दोनों प्लेट पे चार्ज सेम है, क्यू सेम है मतलब पूरा न्यूमरेटर सेम हो गया, 4π0 तो पूरा कॉन्स्टेंट ही है। ये जो डिस्टेंस है आर, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये प्लेट यहाँ पे हमें दूर दूर दिख रही है, एक्चुअली ये प्लेट बहुत ही करीब होती है, तो डिस्टेंस की जो थोड़ा बहुत एरर है या फिर डिस्टेंस का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना कम डिस्टेंस होता है। तो एक्चुअली क्या है, पहले ने प्रोड्यूस करी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे ने प्रोड्यूस करी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का वेक्टर सम बाहर कितना जाएगा, जीरो। वैसा ही इधर होगा, निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खुद की फील्ड बनाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो वेक्टर सेम बनाने पड़ेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जो आउटसाइड है हमारी, जो आउटसाइड फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला जो है दोनों साइड पे कितनी फील्ड बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 epsilon 0, लेकिन पॉजिटिव ने बनाई हुई फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे, उस फील्ड को क्या करता है, निगेटिव चार्जेस की जो बनी हुई फील्ड है वो फील्ड क्या कर देती है, अपोज कर देती है। तो टोटल फील्ड आउटसाइड कितनी हो जाती है, आउटसाइड जीरो हो जाती है। अंदर क्यों नहीं जीरो होती, तो वो भी देखते हैं। मान लो अंदर कोई एक पॉइंट है, अंदर कोई एक पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे जो फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे जो फील्ड बनाएगा वो फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज मतलब नीचे, पॉजिटिव चार्ज से दूर। इसी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज भी क्या बनाएगा, अपनी फील्ड बनाएगा, लेकिन निगेटिव चार्ज जो फील्ड बनाता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज। तो टूवर्ड्स निगेटिव चार्ज और एक दूसरी फील्ड आ गई, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अंदर के साइड, अंदर के साइड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होने के कारण इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई फील्ड प्लस निगेटिव चार्ज से बनी हुई फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, डायरेक्शन सेम होने की वजह से, डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों की डायरेक्शन ऐसी। तो इसलिए हमने देखो इफेक्टिव डायरेक्शन भी कैसे दिखाई है, नीचे दिखाई है। इन दोनों को ऐड करो, 2σ/2ε0 इज इक्वल टू σ/ε0, ये क्या है हमारी, ये है हमारी E0 मान लेते हैं, ठीक है, अंदर के साइड बनी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। E0 क्या है हमारी, अंदर के साइड बनी हुई फील्ड, इन साइड। ये कहां से आया, तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, एक प्लेन शीट की वजह से, इतना ये प्लेन शीट है, प्लेट से ना, ये यहाँ पे सिर्फ हमको फ्रंट व्यू दिख रहा है, एक्चुअली प्लेट होता है ये, ठीक है, 2D से। तो अंदर के साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गई, कितना आया, σ/ε0। तो E0 मतलब σ/ε0, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके लिए, तो दोनों प्लेट्स के लिए,
क्योंकि दोनों प्लेट सेम है, दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है, दोनों पे चार्जेस भी सेम है, ठीक है। तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया इंटू एफ बाय जीरो, इसको मैं इक्वेशन वन बोल के रखता हूँ, ठीक है। हमारा ई जीरो आ गया, क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, याद तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या देखा है, दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज है, प्लेट से दोनों शीट्स है, बाहर दोनों की फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, अंदर दोनों की फील्ड एक दूसरे में ऐड हो जाएगी, और प्लेन शीट की फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। तो पहले प्लेट की सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और दूसरे प्लेट की सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो ऐड हो जाएगा, फाइनल हमको मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और वो ई जीरो क्या मिला हमको, सिग्मा की वैल्यू डाल के क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का काम भी हो गया, नेक्स्ट नॉलेज लगेगा हमको, वोल्टेज इक्वल टू ई इंटू वी। तो चलिए वी इज इक्वल टू क्या है, ई इंटू वी। अभी क्या है, ये जगह जो है ना वो बहुत छोटी है, तो इस प्लेट के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं, यूनिफॉर्म मान सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, ऐसा हम कंसिडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो वी कैसे निकलेगा, ई जीरो इंटू डी, ई जीरो इंटू डी। तो ई जीरो क्या है हमारा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो इंटू क्या जाएगा, डी हो जाएगा। हमको अब ये लगेगा सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो मैं क्या करता हूं, ये देखो v इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो है, मैं q अपॉन v करता हूं, मतलब क्या, ये v उधर लेके जाता हूं, ठीक है। तो ये किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये d नीचे आ जाएगा। देयरफॉर देखो ऐसा बना है, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, तो मैं v नीचे लेके जाता हूं, v नीचे लेके जाता हूं, तो उससे वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q by V is equal to Q by V इधर और A epsilon zero ऊपर आएगा, D नीचे आएगा, A epsilon zero ऊपर, D इधर जाएगा नीचे। But इसको मैं क्या बोलूंगा, C zero Q upon V क्या होता है, कैपेसिटेंस, तो इस कैपेसिटेंस को मैं नाम दे रहा हूँ C zero, वो कितना आ जाएगा, A epsilon zero upon D। तो ये आ जाएगा आपका कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट मालूम होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन मालूम होना चाहिए, वो मालूम हो गया तो आप तुरंत इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चीज है इसमें कि ये जो दो प्लेट्स है इनके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं रखा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें हमने रखा नहीं है, एयर मान लिया है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वन। अभी हम देखते हैं बिना डाइलेक्ट्रिक का हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इतना आ रहा है। अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे कुछ असर होता है क्या, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए तो चलिए दोस्तों, बिना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो वो देख लिया है हमने कितना होता है, इतना होता है। और जो बिना डाइलेक्ट्रिक के हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन दोनों प्लेट के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, ये क्या था हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और उसी को हमने क्या लिखा था, सिग्मा को क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। अभी हम क्या करते हैं ना, ये जो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, उसमें कुछ पोर्शन जो है उसमें हम क्या डाल देते हैं, कुछ पोर्शन में हम डाल देते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने भर दिया। अभी हमने पढ़ा है कि जब दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, पोलर हो या नॉन पोलर हो उसे कोई लेना देना नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक हमने इतना t इतना डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक इसमें भर दिया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है
कि जब भी डाइलेक्ट्रिक अंदर भर देते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, उस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है। और पोलराइजेशन किस तरह से होता है, जो हमारा या भी मान लो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, प्लस और माइनस है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसी, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसी, कौन सी डायरेक्शन है उसकी, ई जीरो, ठीक है, ई जीरो, इन दोनों प्लेट के बीच की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसी। तो प्लस चार्ज को इधर खींचाएगा और निगेटिव चार्ज किधर खींचा जाएगा, इधर। तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक की अलाइनमेंट कैसी होती थी, इस तरह से होती थी, है ना, ये माइनस प्लस, बाद में माइनस प्लस, इस तरह से होता था। तो इस डायलेक्ट्रिक पे अंदर के साइड सरफेस पे, डायलेक्ट्रिक के सरफेस पे, वॉल्यूम में नहीं, डायलेक्ट्रिक के सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाते हैं, चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं आउटर, डायलेक्ट्रिक के आउटर सरफेस पे, मतलब क्या, इस कंडक्टिंग प्लेट के इनर सरफेस पे। ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और हमने पढ़ा है अंदर भी ये चार्जेस आ जाने की वजह से, अंदर के साइड पोलराइजेशन की वजह से जो चार्जेस बन जाते हैं, वो चार्जेस की भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी एक डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैं बोलता हूँ ईपी। ईपी मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन हुआ किसका है, तो पोलराइजेशन हमारे डाइलेक्ट्रिक का हुआ है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, हमारे मेन फील्ड को क्या करती है, अपोज करती है ना। तो नेट ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये पहले का फील्ड माइनस हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इसी के लिए हमने एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया था, जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो होता है हमारे पहले की फील्ड, हमारी पहले की फील्ड और हमारी बाद की फील्ड, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने के बाद की फील्ड। तो E0 अपॉन E नेट, ये जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या करता है, पहले की फील्ड अपॉन बाद की फील्ड, ये बाद की जो फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन होने के बाद वो फील्ड की वैल्यू कम होती है, हमारे इनिशियल फील्ड की वैल्यू कैसी थी, ज्यादा थी, नेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, खाली वैक्यूम में जीरो पकड़ लेना, एयर की वैल्यू वन पकड़ लेना, बाकी सारे के लिए के की वैल्यू वन से ज्यादा होती है। तो ये जो है हमारा, इसको ध्यान में रखना है, के इज इक्वल टू, आप ऐसा भी लिख सकते हो ई जीरो अपॉन ई जीरो माइनस ईपी, नेट क्या है, ई जीरो माइनस ईपी। तो इतना हमारा क्या होता है, फील्ड चेंज हो जाता है, ये हमारा बचता है, पहले ये था विदाउट डायलेक्ट्रिक, बाद में क्या रहेगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर का। और उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, इतना हो गया। अभी हम देखते हैं वोल्टेज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया, नई फील्ड क्या बनी हमारी, ये वाली, ठीक है, नई फील्ड बनी हमारी ये वाली, ई नेट लिखता हूं फिर मैं, ठीक है, ई नेट क्या हो जाएगा यहां से, ई नेट इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ए, क्योंकि जो अभी पुरानी फील्ड थी वो चेंज होके ई जीरो, अभी चेंज होके ई नेट हो चुकी है डायलेक्ट्रिक की वजह से। अभी फील्ड चेंज हुई है तो अपने आप वोल्टेज भी चेंज होगा, पोटेंशियल भी। अभी पोटेंशियल देखो क्या होता है, फॉर्मूला तो मालूम है E इंटू डी, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, क्यों, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे डायलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन इतना जो बीच में पोर्शन है उधर तो डायलेक्ट्रिक है, इतने पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और इतना पोर्शन कितने डिस्टेंस तक है, टी डिस्टेंस तक है, ठीक है, तो इतने पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यह इतने पोर्शन में देखो बाहर की फील्ड तो है ही, इसको अपोज करने वाली फील्ड भी है, तो इतने डायलेक्ट्रिक के पोर्शन में कितनी फील्ड बनेगी, ई जीरो माइनस ईपी बनेगी। तो ई जीरो माइनस ईपी वो कितने डिस्टेंस तक है, टी डिस्टेंस तक, ई जीरो माइनस ईपी फील्ड यहां पे रहेगी कितने डिस्टेंस तक,
टी डिस्टेंस पर, तो वो लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जितनी है कितने डिस्टेंस के लिए, टी के लिए, और बाकी जो बचता है डी इतना पूरा है उसमें से टी हटा दो, बाकी डिस्टेंस कितना बचता है डी माइनस टी। उतने के लिए फील्ड कितनी है हमारी, वो है ई जीरो, वो कितनी है ई जीरो, ठीक है ओके। तो वी इज इक्वल ई जीरो ई पी मतलब ई नेट, और ई नेट मतलब क्या ई जीरो अपॉन के, तो ये जो है ये ई नेट है, ई नेट की वैल्यू में डाल देता हूं ई जीरो अपॉन के इंटू टी प्लस डी माइनस टी इंटू ई जीरो। तो नया वी बन जाएगा, देखो ई जीरो है मतलब पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कॉमन निकाल लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, ठीक है इस तरह से उसको लिख लेता हूं। V इज इक्वल टू क्या है, ई जीरो क्या था, ई जीरो था हमारा Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, बाद में ये एज इट इज टी अपॉन के प्लस टी माइनस टी। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको निकालना है Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अभी नया कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, नया कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे C, उसके लिए लगेगा चार्ज, ठीक है अपॉन वॉल्यूम सॉरी वोल्टेज मतलब पोटेंशियल Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, उसके बाद में ए एज टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी इंटू कुछ नहीं होगा बस ब्रैकेट क्लोज, क्यू क्यू कट हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू, और ये जो ए एप्सिलॉन है वो अपॉन का अपॉन है तो ऊपर निकल लेगा ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन ये क्या आएगा टी बाय के प्लस डी माइनस टी। ये हमारा बन जाएगा अब डाइलेक्ट्रिक की वजह से नया कैपेसिटेंस, ठीक है ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जो बनेगा जब हम दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या लगा देते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं कुछ थिकनेस तक, कितना थिकनेस है यहाँ पे टी जितना थिकनेस है, उसकी वजह से क्या होगा नया कैपेसिटेंस इतना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक जो है ना वो असर करता है हमारे कैपेसिटेंस पे, ठीक है इससे हमको ढंग से समझ में आ नहीं रहा है लेकिन कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ता है या कम होता है, ठीक है तो हम क्या करते हैं इसके लिए कुछ केसेस कंसिडर करते हैं, ठीक है तो पहली केस है कि डाइलेक्ट्रिक जो है ना फुल भर दिया है हमने, ठीक है पूरा जो एरिया है उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया, पहले क्या करा था ये थोड़ा थोड़ा जगह हमने छोड़ दी थी, अभी उतनी जगह भी नहीं छोड़ेंगे, पूरी बीच पूरा जो डी डिस्टेंस है डी डिस्टेंस का हम पूरा डाइलेक्ट्रिक ही भर देंगे, इसका मतलब क्या टी इज इक्वल टू क्या डी, तो उसमें डाल देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो, क्या हो जाएगा टी जो है हमारा टी की जगह पे डी डाल दूंगा अपॉन के प्लस डी इज इक्वल टू टी है डायरेक्ट्रिक पूरा भरा पड़ा है, मतलब पहले टी डिस्टेंस तक भरा था अभी डी डिस्टेंस तक भरा है, तो डी और टी दोनों सेम है तो कितना हो गया जीरो, देयरफॉर डी अपॉन के रहेगा, ये के जो है वो अपॉन का अपॉन है ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी। अभी ढंग से देखो देयरफॉर सी इज इक्वल टू के इंटू सी जीरो, अभी सी जीरो कहां से आया तो सी जीरो की तरह ढंग से देखो एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी क्या है हमारा विदाउट डायरेक्ट्रिक वाला कैपेसिटेंस, उसको क्या मल्टीप्लाई हो गया हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और मैंने आपको अब भी बोला कि के जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एक से बड़ी होती है, तो सी जीरो को एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा तो अपने आप ही प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और हमको जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा डायलेक्ट्रिक की वजह से तो वो बड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है तो इससे हमको पता चल जाता है कि जब भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंसर्ट करेंगे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या करा हमने, पहले जो ओरिजिनल फील्ड थी वो मालूम कर ली, ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो था वो मालूम कर लिया, डायरेक्ट्रिक बढ़ गया टी इतने डिस्टेंस तक,
हमको मालूम है एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो अपनी एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगी। तो नई फील्ड क्या बनेगी, हमारी एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस फील्ड, पोलराइज फील्ड। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी डेफिनेशन से हमने थोड़ा समझ लिया कि ये हमारी ओरिजिनल मतलब पहले वाली फील्ड को नेट फील्ड से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, के नीचे आ जाएगा, ई जीरो अपॉन के। ठीक है, अभी फील्ड चेंज हो गई तो हमारा वोल्टेज भी चेंज होगा। वोल्टेज का फॉर्मूला ध्यान में रखा, ए वाला ई अभी पूरी जगह में यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ कुछ डिस्टेंस के लिए अलग अलग है। इतने डिस्टेंस के लिए क्या है, ई जीरो माइनस ई पी, टी के लिए तो टी के लिए है ई जीरो माइनस ई पी प्लस, बाकी बचा जो है डी में से टी गया कितना डिस्टेंस बचता है, डी माइनस टी ई जीरो। बाद में ई जीरो कॉमन निकाल लिया, बाकी रख दिया ई जीरो की वैल्यू ऊपर से रख दी इधर। ठीक है, वी इक्वल टू क्यू अपॉन समथिंग मिल गया और ब्रैकेट मिल गया, हमको कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है क्यू अपॉन वी, तो इधर क्यू अपॉन वी एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये है Q अपॉन ये V की वैल्यू, तो Q Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से नया कैपेसिटेंस हमको मिल जाएगा। जब हम पूरा भर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से तब हमको ढंग से पता चलता है कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और कुछ दो तीन पॉइंट है वो देखते हैं फिर इसको खत्म कर देंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो दोस्तों अभी कुछ केसेस है जो आपको JEE नीट और CET के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। उसमें पहला है, इफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, मान लो ये प्लेट है हमारा पहला और एक दूसरा प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अभी ये जो पूरा डिस्टेंस है हमारा डी, उसके बीच में हमने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स रख दी। ठीक है, कुछ थिकनेस टी वन तक हमने रखा एक डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद में टी टू थिकनेस लगेज लगा के ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। उसके बाद में टी थ्री इतना थिकनेस तक हमने तीसरा डायलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, ऐसे हम डायलेक्ट्रिक्स के स्लैब बनाते गए डालते गए, पूरा ऐसे कर दिया। ठीक है, तो जो नया हमारा कैपेसिटेंस होगा, जो इन सारे डायलेक्ट्रिक की वजह से जो हमारा कैपेसिटेंस बनेगा, वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका बनेगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो एज इट इज। देखो ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने रख दिया। तो ये जो टी है और डी है, पूरा डिस्टेंस किससे बड़ा है, पूरा डिस्टेंस डायलेक्ट्रिक से भर गया है। तो टी हमारा पूरा, ये टी वन टी टू और पूरा सबका टी ऐड कर दो, पूरा टी क्या हो जाएगा हमारा डी के बराबर, तो ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टी है ये क्या है, अलग अलग है। ये टी अलग अलग है तो क्या होगा, पहले टी वन डालेंगे, टी वन डिस्टेंस तक कौन है हमारा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के वन वाला डायलेक्ट्रिक है, प्लस टी टू इतने थिकनेस तक, के टू इतना कॉन्स्टेंट वाला डायलेक्ट्रिक है, प्लस ऐसे करते जाएंगे। मान लो एन स्लैब है तो टी एन इतनी थिकनेस तक हमारा एंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो हमारा इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, इतना सॉरी इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमारा इस कंडीशन के लिए कितना हो जाएगा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो। ठीक है, पूरा डी भर चुका है डाइलेक्ट्रिक से, तो डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है और डी है वो दोनों सेम है, लेकिन ये जो है डाइलेक्ट्रिक अलग अलग है अलग अलग थिकनेस के लिए, तो अलग अलग थिकनेस के लिए अलग अलग डायलेक्ट्रिक हम रख देंगे। ठीक है, मान लो ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हमने एन कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया। पहले का कैपेसिटर कितना है, ए एप्सिलॉन जीरो के वन अपॉन डी। ठीक है, दूसरे का कितना है और हमको मालूम है क्या होगा, सी टू मान लो ए एप्सिलॉन जीरो, एरिया भी अलग अलग मान लो, कैपेसिटर जो लगा है वो छोटे मोटे है। ठीक है, दूसरे कैपेसिटर में के टू इतना है, ठीक है उतना डिस्टेंस क्या है हमारा दूसरे का, डी टू मान के चलते हैं। ठीक है, या फिर डिस्टेंस क्या है, उन्होंने डिस्टेंस कांस्टेंट बोला तो डिस्टेंस कांस्टेंट मान लेते हैं, खाली एरिया अलग होगा और अलग अलग कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो अलग अलग बना होगा। तो हमको मालूम है पैरेलल में क्या, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ऐसे ऐड होके जाता है अप टू सी एन। तो सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो कॉमन निकल लेगा, डी कॉमन निकल लेगा, एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी कॉमन क्या हो जाएगा, ए वन के वन प्लस ए टू के टू प्लस ए थ्री के थ्री ऐसे करते करते ए एन के एन। इस तरह से हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे जो है लास्ट कंडीशन या फिर लास्ट उन्होंने क्राइटेरिया बताया है कि
अभी नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या बोला है कि ये जो दो प्लेट है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस टी तक, कुछ डिस्टेंस टी तक हम क्या करते हैं ना, एक कंडक्टिंग स्लैब रख देते हैं। मतलब अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं होगा, एक कंडक्टिंग स्लैब होगा। क्या होगा? एक कंडक्टिंग स्लैब, मतलब डायरेक्ट कॉपर वगैरह का मटेरियल रख देंगे वहां पे। तो एक बात ध्यान में रखो, आपका जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मान के चलते हम इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन, ये जो है ये फॉर्मूला, उसमें के की जगह पे इन्फिनिटी, तो टी अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो, बचेगा कितना यहाँ पे डी माइनस टी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे डी से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों वो भी बताता हूँ मैं। ए एप्सिलॉन जीरो डी से मैंने मल्टीप्लाई करा, सॉरी डिवाइड करा, और अभी मल्टीप्लाई भी कर दिया, ए नीचे का डी माइनस टी एज इट इज। ये वाला फॉर्मूला देखो, ए एप्सिलॉन जीरो किधर गया, ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी इज इक्वल टू क्या, सी जीरो, तो सी इज इक्वल टू सी जीरो इंटू डी अपॉन डी माइनस टी। तो ऊपर डी है, नीचे डी माइनस समथिंग है, मतलब ये क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये एक से बड़ा होगा, सी जीरो को एक से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा। मतलब डायलेक्ट्रिक को हटाओ और कंडक्टिंग स्लैब डाल दो, कंडक्टिंग स्लैब भी डालोगे तो आपके कैपेसिटर का बढ़ना ही है, कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने देखा है कि डायलेक्ट्रिक का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे क्या असर होता है। तो एक ही असर होता है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।